Hi everyone, welcome to Best Approach, and as the title suggests, today we are going to be discussing about how to maintain friendships, your close bonds, the distractions you face while preparing for JEE. So trust me, aspirants, this is one of the most trending questions. This is one of the most asked questions to the educators, to the mentors ki, ma'am ya sir, hum jab is cheez ki preparation kar rahe hain, jab hum JEE ke liye pad rahe hain, to hamare life mein bahut sare distractions hain, hum un distractions se kaise tackle kare, un distractions ko kaise dur bhagaye, ya fir agar ho chuke hai to hum use overcome kaise kare. So in this video we are going to be discussing about all that, so stay tuned. So before diving into the video, I just want to say कि whatever feelings you're going through, जैसे भी आपको feel हो रहा है, it's all very normal. इसको बिल्कुल overthink नहीं करना है, बिल्कुल over analyze नहीं करना है कि you know कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो होनी नहीं चाहिए. हम सब उस phase से गुजरे हुए हैं. Every your mentor, your educator, your parents, your siblings, we all have been through this phase, and it's very normal. जब आप अपने teenage में होते हो, teenage years में ये सब बहुत ही normal है. सो जब हम बात करते हैं कि फ्रेंडशिप्स की कि मैम सर मैं कैसे इस चीज़ से यू नो मेरे को जाना है बाहर बट मुझे पढ़ाई भी करनी है मुझे लेकिन एंड ऑफ द डे में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है ये सब जो काम आप अभी सोच रहे हो कि यू नो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको अपनी आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है ये सब चीज़ें आप बाद में कर सकते हो मस्ती मजाक रोमिंग अराउंड विद फ्रेंड्स यू नो हैविंग ट्रिप विद फ्रेंड्स गोइंग टू पार्टीज एक्सेट्रा थिंग ये सब चीज़ें बाद में भी की जा सकती हैं अभी ओनली एंड ओनली फोकस शुड बी योर स्टडीज शुड बी योर क्लासेस शुड बी हाउ यू हैव टू कम्प्लीट ऑल योर बैकलॉग्स हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन एग्जाम हाउ यू हैव टू बी यू नो अटेंड द क्लासेस एक्सेट्रा बट द नंबर वन रूल ऑफ क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम इज टू हैव रेजर शार्प फोकस एनीथिंग इन एक्सेस इज टोटली हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस इट्स टोटली नॉट रिकमेंडेबल तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आपके किसी क्लोज फ्रेंडशिप की वजह से किसी क्लोज बॉन्ड की वजह से आपकी पढ़ाई में इफेक्ट हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली बहुत ऑनेस्टली अपने लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ क्या ये मेरे प्रिपरेशन के थ्रू मुझे कुछ फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है सो द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो रीज़न क्या है अगर आपका ये मोटो है तो आपको ये याद रखना है कि इस मोटो से आपको कहीं और भटकना नहीं है यू शुड हैव फोकस ऑन योर स्टडीज एंड इफ एनीथिंग यू फील इज यू नो डिस्ट्रैक्टिंग यू इट कुड बी एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड यू हैव टू थिंक अबाउट इट यू हैव टू एलिमिनेट इट एंड वाई बिकॉज when you will see your name in the list when you will just get to know that you have got this and that rank in the entrance exam you will be very happy first your family will be very happy third you will understand ki main us phase mein jab mere samne itne sare obstacles the life mein main usko tackle kar paya सो द गोल्डन टिप जो आपको हर कोई देगा आप अपने एजुकेटर से पूछ लो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो आप अपने बड़े सिबलिंग से पूछ लो इज इफ समवन और यू नो समथिंग इज एलिवेटिंग यू एंड योर प्रिपरेशन यू शुड डेफिनेटली गो विद इट इफ आपके फ्रेंड सर्कल आपको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली जाओ लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड सर्कल ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर आपका किसी के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड है ना आपको लग रहा है कि एंड ऑफ द डे में आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है आपका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता So please be honest with yourself and take a decision for yourself before it gets too late because 2 saal jam ke mehnat kar lo uske baad ye distractions nahi aapke liye enjoyment ka tarika ho jayega aur obviously kyunki aapne ab soch hi liya hai thaan hi liya hai ki aapko exam dena hai to just do not think about all these things agar ho bhi jati hain to try to eliminate them as soon as possible So this is the end of the video. If you could relate to the video, let us know in the comment section. If you want more such videos, please let us know. We'll make videos on more such topics. And if you like the video, please hit on the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and keep preparing. Bye bye.